हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका BDUP के एक ऑफिशियल अपडेट में। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लखनऊ दिनांक 2/8/2022। और सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये आपके लिए कोई खास नोटिस नहीं है, ये जो अपडेट आई है कुछ खास आपके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा। और ये भी आपको जानना जरूरी है कि क्या BDUP के जो नए सचिव बने हैं या फिर बनने वाले हैं वो कौन हो सकते हैं, अभी आपको नीचे सिग्नेचर वगैरह दिखेगा। उससे पहले जो बच्चों के डाउट्स थे उसको मैं क्लियर करना चाहूँगा। जैसे कि बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर कॉलेज तो ओपन हो गया, मेरा कॉलेज ओपन नहीं हुआ है, या फिर काफ़ी सारे बच्चे ये कह रहे कि सर हम अभी समर ट्रेनिंग कर रहे हैं, लगभग अगस्त पूरा समर ट्रेनिंग चलेगा। तो जितने भी बच्चे समर ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं हो, वो जब भी आएंगे उनका अटेंडेंस जो होगा वो शॉर्ट नहीं किया जाएगा, मतलब कॉलेज से ये नहीं कि उनका अटेंडेंस काट लिया जाएगा। हाँ, आप एक महीने नहीं आए, आपका एक महीने का एक भी अटेंडेंस नहीं बनेगा, आपका पूरा अटेंडेंस बन जाएगा। हाँ, जो बच्चे सेकेंड ईयर में अभी फिलहाल में वो नहीं जाएंगे तो उनके क्लास टीचर या फिर टीचर वगैरह क्लास ले रहे होंगे तो उनको अब्सेंट कर देंगे, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो उनको जाना है, ठीक है। दूसरी बात जो आपकी स्कॉलरशिप को लेकर के है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर स्कॉलरशिप रिन्यूअल कब होगा। जैसे कि अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं और या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो रिन्यूअल कब होगा। देखिए, जैसे जब तक आपका फीस वगैरह जमा नहीं हो जाता है, एडमिशन नहीं हो जाता है, तो काफ़ी सारे बच्चों को मालूम नहीं रहता है ये चीज़ें। हालांकि ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे बच्चों को मालूम नहीं रहता है, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। तो आपके जब एडमिशन वगैरह हो जाएंगे, आपकी फीस जमा हो जाएगी, उसकी रसीद मिलेगी, उसी हिसाब से आपके एडमिशन वगैरह होते हैं, तो आपको अभी वेट करना होगा। जैसे आपका एडमिशन होता है, एडमिशन के तुरंत बाद आपकी स्कॉलरशिप रिन्यूअल होना स्टार्ट हो जाएगी। अब देख लेते हैं यहाँ पे इस खबर के बारे में, जो सचिव है यहाँ पे इस अपडेट को जारी किया गया है BDUP के द्वारा ही, लेकिन यहाँ पे विषय देखें, सत्र 2022-23 हेतु परिषद से अनापत्ति निर्गत किए जाने वाली संस्थाओं स्थलीय निरीक्षण कराए जाने के संबंध में, यानी कि उनका फिर से निरीक्षण होगा। जो NOC के बारे में आपने सुना था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया गया था कई कॉलेजों को, फार्मेसी के कॉलेजों को, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा PSCI यानी फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, उसके लिए ये अपडेट जारी की गई है। तो यहाँ पे आपको कुछ जानना, आपको कुछ करना भी नहीं है, वहाँ पे वो सब जाँच वगैरह होंगी, वो सारी चीज़ें, कुछ घोटाले हो गए थे जिसकी वजह से आपके BDUP के सचिव है सुनील कुमार सोनकर जी और जो आपके एक और निदेशक थे, प्राविधिक शिक्षा के निदेशक थे मनोज कुमार जी, उनको उनके पद से हटा दिया गया था। अब यहाँ पे मेन चीज़ है, मतलब आपको थोड़ा सा जानना, ये बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख सकते हैं, भावदी अनूप कुमार पटेल संयुक्त सचिव हैं, अभी ये संयुक्त सचिव हैं, और कृतीय सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ। अभी जो आपके सुनील कुमार सोनकर जी थे उनको पद से हटा दिया गया है, तो अभी ये सारी चीज़ें अब देखिए कौन जो रियल में सचिव बन रहा है, कौन बनता है, किसको बैठाया जाता है, वो सारी चीज़ें तो आपको बाद में मालूम चलेंगी, लेकिन अब जो अपडेट आएगी तो वहाँ पर सुनील कुमार सोनकर नहीं लिख के आएगा। और रही वो जो तीनों बात अभी मैंने आपको बताया, जो कॉलेज ओपन, तो जो सेकेंड ईयर के बच्चे होंगे वो कॉलेज जाएंगे, कॉलेज रेगुलर अब जाएँ, कॉलेज क्लासेज वगैरह चलेगी, जहाँ पे नहीं चलती है उसकी अलग बात है कि नहीं चला रहे हैं, कॉलेज वाले नहीं खोल रहे हैं, वो तो वहाँ की गलती है, लेकिन हम लोग के यहाँ के कॉलेज वगैरह सारे खुल गए हैं और लगभग कल से सभी बच्चे कॉलेज भी जाएंगे, पढ़ाई वगैरह भी हो रही है। और जो आपकी स्कॉलरशिप का है, जब तक एडमिशन नहीं होगा तब तक आपकी स्कॉलरशिप वगैरह का फॉर्म अभी नहीं भरा जाएगा। तो ये सारी इसको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दे रहा हूँ, जो बच्चे फार्मेसी वगैरह के होंगे वो पढ़ लेंगे सारी चीज़ों को। हालांकि इसमें आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, सब कॉलेजों के लिए है, जाँच वगैरह है, NOC के संबंध में है, तो ये सारी चीज़ आपको इसमें कुछ नहीं करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।